ऑल राइट, तो ये ऐसे ऐसे पगले ड्राइवर है ना यहाँ पर, देखो ये देखो, ये इधर सामने देखो, इधर का सीन, ये कहीं पे भी गाड़ी कुछ भी डाल के कुछ भी चला रही है। ये लोग कुछ ऐसा है एकदम, वैसा रोड के ऊपर में रश गाड़ी चलाते ना अपन, वैसे चलाते इन लोगों को ट्रैफिक वगैरह, कुछ भी नहीं, अपन भी हैवी ड्राइवर है तो अपना काम वैसा है। तो अभी अपनी जो है देखो, टाइम पहली बात इतना हो गया, मेरे को लगता है कि अपन फोटो शूट वगैरह कर पाएंगे। कैमरा मैन तुमको लगता है कि अपन कर सकते हैं फोटो शूट? नहीं 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 कर सकते, रात हो गई, रात हो गई है, ठीक है, पता लगा, अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, पता लगा, ठीक है। तो अपनी जो फेवरेट लोकेशन है उसके ऊपर हमें चलते हैं, ठीक है। फेवरेट लोकेशन पे अपन जाते हैं, वहाँ आराम से बैठते हैं और वहाँ पर मैं जो है कुछ शूट वूट नहीं कर पाएंगे, लेकिन पीस आउट जगह है वो एकदम शांति वाली, देखते हैं। अगर फोटो फोटोज अगर क्लिक मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकती, क्योंकि इतना अंधेरा हो गया है, अगर से पिक्चर को क्लिक भी करते हैं तो वो उसकी क्वालिटी जो है वो फटने वाली है, मेरे को मालूम है अच्छे से। तो वहाँ चलते हैं और वहाँ जगह पे जाने के बाद मजा 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 करते हैं, समझे? तो उस लोकेशन की तरफ में चलते हैं। हमारी फेवरेट प्लेस पे, तो ये प्लेस जो है अपने दिल के बहुत करीब है, क्यों? तो उसकी बहुत बड़ी वजह, और वजह यह है कि यहाँ का जो सनसेट होता है वो होता है सबसे प्यारा, ठीक है। और यहाँ पर बाइक से भी आ सकते हैं अपन, लेकिन बाइक से आने का मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर में आते हैं एनिमल, जानवर, जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल जो है सबसे ज़्यादा इधर में एरिया में आते हैं, शेर, चीता, हिरन, ये सब कुछ यहाँ पर मैं अगर से देखना होगा तो रात के टाइम पे आ जाओ, एक दो बजे के टाइम पे सब कुछ यहाँ देखने मिल जाता है, ठीक है। लेकिन बेस्ट प्लेस की ये जो बेस्ट प्लेस है हमारी, क्यों? क्योंकि यहाँ का जो व्यू है ये चीज़ देखने लायक है। ये रोड जो है अभी जितना चलते हुए दिख रहा है, ये रोड हो जाता है बंद करीबन रात के 8, 8:30, 9 बजे हो जाता है बंद, और अभी जो है शाम हो रही है सिर्फ 5:30, 5:30 से हो सकते हैं 6:15 या 6 के करीब हो रहे हैं अभी ये टाइम चल रहा है यहाँ का। और कुछ समय बाद में सीन ऐसा होगा कि ये जो गाड़ी चल रही है सब गाड़ियों यहाँ से चलना हो जाएंगी बंद और पूरा रोड जो हो जाएगा खाली, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सीन का कैसा मालूम है, ये सीन पे मैं बहुत कम और बहुत कम लोगों में बताता हूँ कि यहाँ आते करके यहाँ आते और इस जगह का जो है ज़्यादा से ज़्यादा फील लेते हैं, मज़ा लेते हैं, ठीक है। और इस जगह की खासियत ही यही है कि यहाँ पर मैं आओ, सुकून लो, फील लो और मज़े लो, ठीक है। इस जगह का फील ही वही है। अगर से तुमको सही चीज़ देखना है, इस जगह की सही चीज़, तो इससे आगे जाना पड़ेगा कम से कम 2 किलोमीटर आगे, और उससे सही चीज़ देखना है तो देख लो, बेकार चीज़। इससे जो है थोड़ा 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो इतना प्यारा सीन दिखेगा पूछो मत, सबसे ज़्यादा प्यारा सीन जो 2 किलोमीटर आगे दिखता है, ठीक है। और बाकी तो हो गया है, बस अभी अंधेरा होने पे आ गया है, चांद सितारे सब कुछ दिख रहे हैं अभी ये टाइम के ऊपर में। और देखो ऐसा है कि वॉइस का जो है वो तो प्रॉब्लम मेरे को पहले से पता है, और अभी भी वॉइस का प्रॉब्लम हो ही रहूँगा, क्यों? क्योंकि जो क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी, उसके लिए ज़रूरत है माइक की, और माइक जो है वो अपने पास में है लेकिन कैनन में लगता नहीं है, वही बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। कैनन में माइक अटैच नहीं होता है, इस वजह से इसी जगह का फील लेते हैं, इसी जगह पर इन्जॉय करते हैं। अभी मुझे एक डायलॉग याद आ गया, पता है वो पिक्चर कौन सी है? नहीं ना यार, वो नहीं क्या, किसी जगह पे जाने के लिए, हाँ, किसी जगह पे जाने के लिए किसी जगह से निकलना बहुत ज़रूरी है, ये जवानी है दीवानी, कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद में और एक डायलॉग याद आ रहा है, और वो डायलॉग ये है कि जहाँ है वही का मज़ा लेते हैं ना, लाइफ में हर चीज़ का मज़ा नहीं ले सकते, तो हम जहाँ पर में अभी है वही का मज़ा लेते हैं, जब लाइफ में और आगे बढ़ेंगे, सपोर्ट मिलेगा, तो फिर आगे का मजा लेंगे और आप तक की पहुंचाएंगे। लेकिन ये जो फील है, लद्दाख में रहेंगे, लद्दाख में रहेंगे, वहाँ की अपन देखेंगे सनसेट, वहाँ के सनसेट जो है वो सब देखेंगे। लेकिन ये जो फील है अभी का, ये फील अपन यहाँ पर में लेते हैं, अगले फील का इंतजार नहीं करते, ठीक है। जहाँ पर है उसी मोमेंट को एंजॉय करना सीखे। ऐसा है यहाँ के, मैं सही बताऊँ ना, कंडीशन ये, गाँव के लोगों को पता नहीं ब्लॉगिंग क्या है और क्या चीज़ है करके, लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग, डेली ब्लॉगिंग, ये सब चीज़ें कुछ पता नहीं है। लोग जितने भी आते हैं बाइक वाले, आते जाते लोग देखते रहते हैं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या बोल रहा है करके। इनको मतलब कैसा है, दूसरा करना नहीं चाहिए, इनको ऐसा ही फील होता है कि हमारे गांव में आके कुछ ना कुछ कर रहा है। लेकिन गांव नहीं है ये, सिर्फ एक रोड है, ये ऑन द वे है, रोड जो है गाँव जो है अंदर में, ये रोड है, लेकिन तो वो भी लोगों को शौक है देखने का। थैंक यू। और मेन बात पता है क्या, ज़्यादा बेकार चीज़ें करके मतलब नहीं रहता। अभी मैं डेली लाइफ ब्लॉग से हट के कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ सोच रहा हूँ, इंटरेस्टिंग सीन, मैं भी इंटरेस्टिंग यू, लेकिन कुछ ड्यूड इंटरेस्टिंग चीज़ ये सोच रहे हैं हम कि इंटरेस्टिंग ये होना चाहिए साथ में, कि कुछ लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग, कुछ अबेंडेंट प्लेसेस वगैरह वगैरह, कुछ ट्रैवलिंग और कुछ अलग ही चीज़ें, कुछ अलग लेवल पे जो है हम लेके जाएंगे इस ब्लॉगिंग के फील्ड को। और अपने एरिया में सबसे जो है हमने फोकस किया, बहुत ढूंढा, तो सबसे क्लोज अपना है करांडला, अपन करांडला में रह के उसको एक्सप्लोर, लेकिन नहीं देखो कोई करांडला, तो बहुत लोगों को पता होगा क्योंकि बेसिकली बहुत लोग करांडला, दूर से करांडला में आते हैं देखने के लिए, ठीक है। वाइल्ड लाइफ जो भी है, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी जमती है अपने एरिया में, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमें परमिशन नहीं मिलती ज़्यादातर, लेकिन अपने को परमिशन मुझे लगता है कि मिल जाएंगी, अपन जाएंगे, ट्राई करेंगे, देखेंगे जितना भी है सीन, और सब कुछ सीन अपन कवर अप करेंगे।
तो आज का जो ये व्लॉग है, आज का जो ये वीडियो है, इसको यहाँ एंड करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले एक सरप्राइज़ है, और सरप्राइज़ ये है कि अगर से इस वीडियो के ऊपर में अगर से हमको आते हैं पूरे 10 लाइक अगर से इस वीडियो पे हमको आते हैं, तो उसके बाद में हम जाएंगे एक अबैंडन्ड प्लेस पे, और उस प्लेस के ऊपर में वीडियो बनाएंगे एकदम फुल टू क्रेजी वाला। पाँच कमेंट्स भी चाहिए बोलते हैं। एक इंसान पाँच कमेंट करे या पाँच अलग इंसान एक एक कमेंट करे, लेकिन पाँच कमेंट चाहिए और 10 लाइक चाहिए। तो फुल क्रेजी वाला वीडियो जो है आपका भाई बनाने वाला है अबैंडन्ड प्लेस के ऊपर में। अपने एरिया में बहुत सारे अबैंडन्ड प्लेस है और बहुत सारे स्केरी प्लेसेस, लोग जहाँ डरते हैं जाने से, वो भी प्लेसेस को अपन एक्सप्लोर करने वाले। तो अभी जो है हमारी घड़ी जो है वो बंद हो चुकी है, इसने साथ छोड़ दिया है। तो इस व्लॉग को एंड नहीं करेंगे, आगे और थोड़ा बहुत करने वाले अपन, थोड़ा कहीं जाने वाले, वो भी अपन दिखाएंगे। अगर सो अपन साथ में डालेंगे उस जगह पे अगर जाते हैं अपन। तो आपका सेक्सी बेबी आ चुका है एक सेक्सी से स्टूडियो में। तो ये जो स्टूडियो है इधर, पहली बात तो ये स्टूडियो ही अपना नहीं है, ये स्टूडियो अपने दोस्त का जो फोटोग्राफर है, ठीक है, अजय भट्ट। तो उससे जो है अपने को मिलना है, और मिलने के लिए उसके स्टूडियो में अपन आए, ठीक है। तो स्टूडियो में अपन आ चुके हैं और वो बैठा है बाहर उसकी सीट के ऊपर, उसको जो है उससे मिलने का है। तो उसको अपन लाते हैं अंदर की तरफ, मैं उसको खींचते हुए लाता हूँ मैं अंदर की तरफ। और इधर आओ सर, सर वेलकम टू ओवर सर, ये हमारे सर इनका स्टूडियो, वेलकम टू अवर ब्लॉग सर। तो ये हमारे पुराने दोस्त, इनको कम से कम हो चुके हैं हमारे साथ में कितने, 4 साल हो चुके हैं, 4 साल से हमारी ये दोस्ती है। और इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि वो कुछ बातें अंदर की होती है, अंदरूनी रहनी चाहिए, उन लोगों को नहीं बतानी चाहिए, ठीक है। तो वैसे आप भी बताना मत किसी को मत बताना, भाई का जो फेमस डायलॉग है ये, ठीक है, ये ब्लॉग में आपसे यूज हुआ, बताना मत किसी को, ठीक है। तो ये किसी को नहीं बताने वाले। तो अगर से किसी को कुछ भी सेटअप लगता होगा, तो सब सेटअप अपने पास में अवेलेबल है, फोटोग्राफी के अपन ऑर्डर लेते हैं, और बाकी अपन पानी कैनवन भी सुधारते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आर ओ फिल्टर वगैरह भी अपन सब चीज़ें सुधारते हैं। मैं आसपास का कोई अगर से देख रहा हूँ, किसी को अगर से कोई चीज़ की जरूरत होगी तो कॉन्टैक्ट करो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे डीएम करो, इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो करना मत भूलो, क्योंकि वहाँ पर मैं आपके भाई के प्यारे प्यारे रील्स आते रहते हैं। तो इन्हीं के साथ में अपन जाने वाले हैं उमरेड, एक इंस्टेंट प्लान बनाए बिरयानी खाने का, ठीक है। तो अपन जाने वाले उमरेड लग्जर, वहाँ अपन खाने वाले बिरयानी, वहाँ रील शूट भी कर लेंगे थोड़े बहुत फोटोशूट्स, और उसके बाद में अपन वहाँ खाने वाले बिरयानी। अपन तो मेन बिरयानी के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ का टाइम ये है कि अभी रात के बज चुके होंगे करीबन, कितने बज गए अभी, बज चुके हैं 7, ठीक है, 7:15। लेकिन वहाँ पर मैं जो बिरयानी मिलती 8:30 बजे तक के, और यहाँ से कम से कम 30 किलोमीटर दूर है उमरेड। उमरेड पहुँचते हैं अगर से बिरयानी मिलती है, बिरयानी खाएंगे, नहीं तो कुछ और ऑर्डर करेंगे, लेकिन अपना फोटोशूट वगैरह ये सब चीज़ें जो है वो भी करेंगे। और अगर से वो सब देखना होगा तो इंस्टाग्राम के ऊपर में जो है आप आ जाओ, तो इंस्टाग्राम पे आपको आपके भाई की प्यारी प्यारी और क्रेजी क्रेजी वाले पोस्ट देखने मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पर, मैं जो है 1, 2, 3, 4, हम 4 जगह जाने वाले, और गाड़ी में जो है हमारे कम से कम 10 जन बैठ सकते हैं, क्योंकि पीछे में जो है डाले वाला सिस्टम है। ये छोटी थार है जो है महिंद्रा की कैंपर, ठीक है, कैंपर के अंदर में जो है इतने लोग बैठ सकते हैं आराम से, पीछे में जगह ही जगह है। किसी को अगर से सोना होना तो मेरे पास में आ जाना, गद्दा लगाना पीछे और सो जाना, भाई को सोना है, भाई को सोना है, ठीक है, गद्दा लगाएंगे, भाई जो है पीछे में सो जाएगा, और पीछे उसके पीछे मैं सोऊंगा, पीछे मैं ये सोएंगे, तू मेरे साथ सोएगा, हां, तो एक साथ में सो जाना, मैं आगे बैठूंगा, ठीक है। ये दोनों एक साथ में सोए या कुछ भी करे, लेकिन आप जो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और हमारे फोटोग्राफर को पहचानता हूं तो याद से कमेंट करो, इसको पहचानते हो तो, क्योंकि इसकी इंस्टाग्राम आईडी जो मैं मेंशन करने वाला हूँ, और इसकी जो पोस्ट है सब कुछ है वो आपको देखने के लिए डाटा मिल जाएगा, और फोटोग्राफी करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आगे की तरफ में मिलते हैं अपन लज्जत होटल में डायरेक्टली, ठीक है। ऑलराइट, तो आपका भाई आ चुका है लज्जत से बिरयानी खा के। और अगर से आप ये सोच रहे होंगे कि ब्लॉग में दिखाया है नहीं, ये वीडियो में दिखाया नहीं कि बिरयानी नहीं खाया, तो आपको मैंने पहले ही बोला था इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करो, तो आपको जो स्टोरीज देखने मिल जाएंगी बिरयानी के, हाइलाइट्स देखने मिल जाएंगे कि हमने होटल में जाके बिरयानी खाए, वो भी पार्ट डाल देंगे अपन, थोड़ा सा स्नैप है अपने पास, स्नैप है तो स्नैप को थोड़ा सा पार्ट जो है 5 सेकंड का डाल देंगे, ठीक है, उसमें पार्ट डाल देंगे। तो हमारी बात जो यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है, बिस्लरी की बोतल है, इसको घड़ी बोलते हैं और उसको गाड़ी बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये हमको पता नहीं था, तुमको पता नहीं था, हमने बता दिया, और इसको गधा बोलते हैं, इधर भी देखिए इसको गधा बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात जो है हमने यहाँ तक के कवर कर दी है, मतलब स्टूडियो में गए, इससे मिले, उससे मिले, ये किया, वो किया, व्यू दिखा दिया, सनसेट्स के व्यू दिखा दिए, मेरे फेवरेट जगह दिखा दी, ठीक है। अब मेन बात जो है, अब वक्त आ चुका है किस चीज़ का, व्लॉग को एंड करने का, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके बाद के भी जितने व्लॉग सोचे वो सोचे मैंने अबैंडन्ड प्लेसेस के ऊपर में और अलग अलग जगहों के ऊपर में।
ट्रैवलिंग है, अबंडेंट प्लेसेस है, और कुछ अलग थ्रिलर चीज करने की सोची है, ताकि ये डेली लाइफ व्लॉग, मुझे तो एकदम एक्जैक्टली मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन से व्लॉग्स करूँ, लेकिन मैंने सोच लिया है कि लाइफस्टाइल करना है, इससे थोड़ा हटके करते हैं, लाइफस्टाइल से भी थोड़ा हटके करते हैं, कुछ अलग यूनिक अपने हिसाब का अपन बनाते हैं कंटेंट और वही क्रिएट करते हैं। तो इसी के साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग एंजॉयड दिस वीडियो। अगर से वीडियो पसंद है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो पुराने हो तो सब्सक्राइब किया ही होंगे, इतना भरोसा है मुझे। अनसब्सक्राइब मत, ठीक है, अनसब्सक्राइब मत करना इतना बोलने के बाद, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और आपके भाई को ऐसा प्यार जताते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, मां सलाम, टेक केयर, अलविदा माय लवली फ्रेंड्स। तो भाई जो है ये बिहाइंड द सीन्स होने वाले हमारे, ये शॉप ऐसी बंद करता है, अगर से किसी को पता नहीं था तो देख लो, कोई नौकर वोकर नहीं रखा इसने, खुद दुकान बंद करेगा, खुद कचरा साफ करेगा, ठीक है। तो ये बिहाइंड द सीन्स होने वाले हमारे इस व्लॉग के, तो आखिरी तक अगर से वीडियो को देखा हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना और इंस्टाग्राम पे आना भी ना भूलना। बाय। दोबे जाने चेंगड़ मस्ती करे ना, हे तो सीधा हेच करना रहा। अगर से किसी को आरो लग रही है ना फिल्टर, तो यहाँ पर मैं और फ्री में लेके जाओ। अगर से मैं चैनल को सब्सक्राइब किया तो उसके लिए फ्री में है ना, देख लो आप, बड़ा वाला है। जिसने मैं चैनल सब्सक्राइब किया उसको फ्री, और जिसने 3-4 IDC किया उसको बड़े वाला।